फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री से हमारी प्रॉब्लम है, यूज द गिवन फिगर टू फाइंड फर्स्ट साइन एक्स, सेकेंड कॉस वाई, थर्ड 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y। और फिगर की बात करते हैं तो फिगर है आपकी दिस वन, और इसमें आपकी ये साइड 6, ये 8 और ये 17 एंगल, दिस वन x एंड दिस वन इज y। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम में हम लेबलिंग करते हैं a, b, c एंड d, d इज 90 degree। नाउ अब हम वन बाय वन ये जो आपकी अननोन साइड है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर दिस इन ट्रायंगल ए डी सी लिया और इसमें एंगल डी आपका 90 डिग्री है, तो यूज पाइथागोरस। तो आपका ये 90 डिग्री है तो मींस ए सी हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नाउ ए डी इज 8 square, सी डी यानी 6 square और 8 square 64, 6 square 36 और दिस इज ए सी स्क्वायर और ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ दिस यानी कि 100 दैट इज 10। तो ये आपका आ गया 10। नाउ अगेन यूज पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी डी, सेम एंगल डी इज 90 degree। तो आपका अब ये 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, आपका ए बी हाइपोटेनस हो जाएगा मींस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ यहां पर हाइपोटेनियस मींस ए बी आपको गिवन है जो कि है आपका 17 square इक्वल टू ए डी, 8 square प्लस बी डी आपका अननोन है तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। नाउ 17 square 289, 8 square 64 और इधर आके ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू बी डी स्क्वायर। नाउ बी डी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 225 एंड बी डी इक्वल टू अंडर रूट 225 इक्वल टू 15 यानी कि ये जो आपका बी डी आ गया वो आ गया 15। नाउ फ्रेंड अब हमारे पास सारी अननोन साइड आ गई, अब वन बाय वन हम ईच पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो वेरी फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है साइन एक्स, साइन एक्स मीन्स दिस, तो इन ट्रायंगल ए बी डी और साइन एक्स इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस हो गया 17। नाउ अब हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में है आपका कॉस वाई, कॉस वाई मतलब दिस, तो इन ट्रायंगल ए सी डी और कॉस वाई होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस है यहां पर 6 और हाइपोटेनियस 10, इसको रिड्यूस करेंगे 2 3 2 5 जा, तो कॉस वाई इज इक्वल टू 3/5। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके डन है, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने फिगर में जो अननोन साइड है उसको कैलकुलेट किया, उससे पहले हमने सबको लेबल कर लिया। नाउ ट्रायंगल एडीसी, डी 90 डिग्री है, पाइथागोरस यूज किया, एसी एज अ हाइपोटेनस हो जाएगा तो एसी की वैल्यू आ गई आपकी 10। नाउ अगेन पाइथागोरस यूज किया और किस ट्रायंगल में, ए बी डी में, तो यहां पर डी 90 तो हाइपोटेनस ए बी, देन इनकी वैल्यूज पुट करी तो यहां पर आपको बी डी अननोन है, बी डी की वैल्यू आपकी आ गई 15। नाउ फर्स्ट पार्ट साइन एक्स इन ट्रायंगल ए बी डी, तो साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8/17। सेकेंड कॉस वाई कैलकुलेट करना है ट्रायंगल ए सी डी, तो कॉस वाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और 6/10 और 3/5। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट जो कि थर्ड है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos
वाई। नाउ फ्रेंड यहां पर दोनों एंगल यानी एक्स और वाई के लिए यूज हुआ है तो दोनों ही एंगल यूज होंगे, तो यहां पर हम साइड नेम को यूज करेंगे यानी कि थ्री फॉर्मूले की बात करते हैं तो टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस फोर इंटू कॉस की अगर हम बात करते हैं तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ फ्रेंड थ्री, अब ये एक्स यानी लार्ज वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ए डी और बेस आपका हो जाएगा बी डी माइनस टू। अब ये वाई है यानी कि ये स्मॉलर ट्रायंगल और इसमें आपका परपेंडिकुलर है ए डी और हाइपोटेनियस है ए सी प्लस फोर, सेम ये भी वाई के लिए है तो यहां पर बेस सी डी और हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा ए सी। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं थ्री इंटू ए डी, ए डी इज एट और बी डी इज फिफ्टीन माइनस टू, ए डी, ए डी इज एट और ए सी इज टेन प्लस फोर, सी डी, सी डी इज सिक्स और ए सी इज टेन। नाउ अब इसे रिड्यूस करते हैं थ्री फाइव जा और ये टू फाइव जा और ये हो जाएगा टू टू जा और टू फाइव जा एंड दिस इज एट अपॉन फाइव माइनस ये भी आपका एट अपॉन फाइव प्लस टू सिक्स जा ट्वेल्व अपॉन फाइव। नाउ ये प्लस का है ये माइनस का ये कैंसिल हो गया और ये आपको मिला ट्वेल्व अपॉन फाइव और इसको लिख सकते हैं टू कंप्लीट टू अपॉन फाइव इज योर आंसर। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से देख लेते हैं सिंपली हमने पहले क्वेश्चन देन आफ्टर इनके जो भी रेशियोज फॉर्मूले होते हैं उसको लिखा देन यहां पर हमने साइड नेम रख लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर आपके दोनों ट्रायंगल यूज हो रहे हैं और दोनों ट्रायंगल में आपकी साइड्स चेंज हो जाएंगी तो हमने पहले ही उनके साइड नेम रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन यानी एरर नहीं आए। देन इनकी वैल्यूज पुट करी है तो इसको सॉल्व किया फाइव एट अपॉन फाइव, इसको माइनस एट अपॉन फाइव एंड देन इसको ट्वेल्व अपॉन फाइव, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों प्लस माइनस की वजह से एंड देन आपका ये बचा ट्वेल्व अपॉन फाइव, इसको मिक्स फॉर्म में लिख लिया टू कंप्लीट टू अपॉन फाइव। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली, थैंक यू।